वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम डेफर्ड एन्युटी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी भी समझेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी को भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफर्ड एन्युटी क्या होता है? एन्युटी का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि एक इक्वल इंटरवल में एक आप सेम पैसा डिपॉजिट करते हो या सेम अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, वो तो हमारा एन्युटी होता है। डेफर्ड का मतलब बच्चे स्टार्टिंग के कुछ इंस्टॉलमेंट आपके मिस हो जाते हैं, उसको हम डेफर्ड एन्युटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जरा क्वेश्चन देखो कि अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या हुआ। लाइक जैसे आप बैंक में कुछ डिपॉजिट कर रहे हो एक इक्वल टाइम इंटरवल पर, और एक टाइम के बाद आपको वहाँ से कुल विद इंटरेस्ट कितना पैसा लौट करके आएगा, वो आपका अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी है, जो कि आपने अमाउंट ऑफ द इमीडिएट एन्युटी के अंदर भी पढ़ा था। वो आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा बच्चे। तो बेसिकली क्या है आपके पास में, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके पास में अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी क्या है, कि आप बैंक में एक प्रिंसिपल आप डिपॉजिट करते चले जा रहे हो और एक इक्वल इंटरवल पे, तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको कुल पैसा बैंक में कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 500 रुपये 10 महीने तक जमा करता हूँ तो 5000 रुपये, वो 5000 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो फर्स्ट 500 रुपीज़ जमा करा है मैंने, उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट 500 रुपीज़ से मुझे 9 मंथ का मिलेगा, नेक्स्ट 500 पे मुझे 8 मंथ का मिलेगा, नेक्स्ट 500 पे मुझे 7 मंथ का मिलेगा। क्लियर है बच्चे? तो जो पैसा जमा करवा रहा है उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करेगा, तो इसे अमाउंट का डेवलप होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ एन्युटी। बट यहाँ पर हम डेफर्ड एन्युटी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कुछ आपके स्किप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉमिस किया था एक बैंक को आर डी पे कि एन एन्युटी कंसिस्ट ऑफ द 5 एनुअल पेमेंट ऑफ द 1500 रुपीज़ ईच। तो आर इक्वल्स टू क्या है आपके पास में बच्चे? 1500 रुपीज़ है। और आपने कहा कि आपको एन मीन्स 5 आपको पेमेंट करना है, द फर्स्ट बींग मेड एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स। और पहला जाकर के आप ना पहले दिया, ना दूसरा दिया, ना तीसरा दिया, और जाके चौथे साल के अंत में जाकर के पहला दे रहे हो। तो भैया चारों साल के अंत में जाकर के अगर आप पहला दे रहे हो तो बैंक क्या करेगी आपसे? ये तो ऐसे तो नहीं करेगी ना बैंक आपसे कि आप बोलो कि 15 और 4 साल बाद तो लो जी 6000 रुपये ले लो आप, 4 साल का मिस हो गया था। ऐसे नहीं होगा ना। तो फिर बैंक आपसे ये बोलेगी कि आपने तो 6000 रुपये दे दिया, लेकिन जो पैसा आप मुझे शुरू शुरू में देते तो मैं उसको इतने समय तक यूज़ भी तो करता, 1500 4 साल यूज़ करता, नेक्स्ट 1500 3 साल यूज़ करता, नेक्स्ट 1500 2 साल यूज़ करता, नेक्स्ट 15 उसको मैं यूज़ भी तो करता, तो मैं उस पर इंटरेस्ट देता आपको। अब आप 6000 अभी लेकर के आए हो, तो जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि भैया मैंने आपको प्रॉमिस करा था ये अमाउंट दूंगा, उस अमाउंट की तो आप उम्मीद करना मत। तो कहोगे नहीं मुझे तो वही अमाउंट चाहिए, तो फिर ये क्या करेगा, एक काम करो फिर जो 4 साल का जो इंटरेस्ट आपको मैं पे करता, उस इंटरेस्ट के साथ में आप ये पैसा दो, मैं आपको अगले 1 साल का इंटरेस्ट दूंगा, तो आपको वही पैसा लौटेगा जो कि स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। तो 4 ईयर का लोगे इसमें आप, एम इक्वल्स टू कितना ड्यू हुआ था, तो आप पहले फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। फ्यूचर वैल्यू मीन्स एस इक्वल्स टू एस, पहले आप किसका निकालोगे? 4 साल का, कि 4 साल के बाद अगर मैं बैंक में जाता हूँ तो बैंक 5 × 4 6000 नहीं लेगा, बोलेगा वो जो ब्याज था जो मैं आपको पे करता वो मिला करके आप मुझे दो, मैं 1 साल का दूंगा इसके बाद, और सारा पैसा अपना ले जाना जो स्टार्टिंग में बात कही थी उतना ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो जो मैं आपको ब्याज देता बैंक कहता वो आप दो मुझे, ताकि आपको जो प्रॉमिस था उतना ही पैसा आपको रिटर्न मिले। तो इसमें आपका 4 साल का पहले लेंगे और उसके बाद आई, क्लियर है? अब 4 साल के बाद आपके पास में ये देखेंगे तो पैसा बनता कितना है। तो S इक्वल्स टू आपके पास में 1500 रुपीज़ फ्यूचर वैल्यू है, S इसलिए लिखा हुआ है, सम ऑफ अमाउंट ब्रैकेट आपका 1 प्लस आई, आई के आपके पास में एनुअली है तो आई इक्वल्स टू 0.07, तो 0.07 और रेस टू पावर आपके पास में 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.07 माइनस 1 अपॉन 0.07 एंड यहाँ पे रेस टू पावर 4। एस इक्वल्स टू 500, अभी देखिएगा मैं बेसिक फार्मूला ही बताऊंगा, 1.07 डेज टू पावर 4 माइनस 1 और 0.07 दिस वन, और एस इक्वल्स टू 1500 ब्रैकेट अब 1.07
इंटू 1.07 इंटू 0.3107 0.07, ठीक है बच्चे, एंड 1500 1.07 इंटू, ठीक है, अब 0.3107 डिवाइडेड बाय 0.07 इंटू 1500 एंड एस इक्वल्स टू 6657.85, क्लियर है बच्चे। तो ये आपके पास में क्या है, ये एक अमाउंट है जो बैंक बोलेगा आप 6 जाने देंगे, 6657.85 आप मुझे दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका फिर मैं क्या करूँगा, एक साल का आपको जो है मैं इस पर इंटरेस्ट पे करूँगा ये पैसा, ठीक है, इस पर, और प्लस जो आप 600 रुपये जो आप प्लस 1500 रुपये जमा करेंगे उस पर, ये आपने डिपॉजिट करा। अब आप एक काम करो, ये जमा करने के बाद एक साल का 1500 रुपये का अमाउंट वो मैं आपको दूंगा, ये पैसा तो आपका हो गया, 4 साल में इतना अमाउंट क्रिएट होगा वो 1500 रुपये, तो ये तो पैसा आपको मिलेगा। और प्लस जो 1500 रुपये आपका एक और 5 साल हो गया ना आपका, 5 ईयर के लिए पैसा था, तो जो 1500 रुपये आप जो मुझे दोगे एक्स्ट्रा 1500 रुपये जो आप मुझे दोगे, ये तो आप मुझे दो, ये तो ठीक है आपका जमा हो गया। और अब जो 1500 रुपये मुझे आप लौटाएंगे, रिटर्न करेंगे, 1500 रुपये जो आप मुझे देंगे, उस 1500 रुपये पे मैं आपको एक साल का और इंटरेस्ट दे देता हूं। तो ये पैसा प्लस 1500 रुपये, कुल कितना हो जाता है आपका, कि 1500 आप जमा करवाओगे आप मुझे, क्योंकि ये तो अपना अमाउंट सहित करवा दिया, 1500 रुपये ये जमा करवाओगे, तो अब आपका हो गया 8157.85 ये देने के बाद, इतना पैसा जमा करवा रहे हो, इस पर मैं आपको एक साल का इंटरेस्ट दे देता हूँ। तो 8157.85 इससे मैं आपको दे रहा हूं, तो 1.07 raised to power 1 minus 1 upon 0.07 8157.85। इस पर एक साल का ब्याज ही देना था ना, 7% तो दे दो, 107% दे दो इसका, गुणा 107%, तो 8728 ठीक है बच्चे। तो बैंक बोलेगी ये पैसा आप मुझे दो, 1500 रुपये प्लस पे वो दो, क्योंकि 5वां इंस्टॉलमेंट है आप एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, फिर आपका 5वीं बार जब आप आओगे 5th ईयर में, एक तो ये पैसा आपने मुझे लौटाना है क्योंकि आपने स्किप करा था, प्लस 1500 रुपये ये दो जो कि आपका इंस्टॉलमेंट बनता है, ठीक है, क्योंकि आपने 6000 रुपये आपने वो स्किप किया था तो उसका मैंने इंटरेस्ट ले लिया, और एट द एंड ऑफ द दिस पैसा और प्लस में जो आपका एक इंस्टॉलमेंट और आना था 1500 रुपये का, क्योंकि आप 5 इंस्टॉलमेंट देने का आपने प्रॉमिस करा था 1500 रुपये के, तो एक इंस्टॉलमेंट ये आना था, तो कुल मिलाकर के आप इतना पैसा जाके जमा कर दो, इससे मैं आपको बस एक साल का ब्याज दूंगा, इस पर मैं आपको बस अब 1.07 मैं इससे बस आपको एक साल का ब्याज दूंगा और ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे फॉर्मेट पे करूं, दिस वन,
कि मेरे पास में आर इक्वल्स टू जो जमा मैं करवा रहा हूं वो इंस्टॉलमेंट है 1500 और आई इक्वल्स टू 0.07 है एंड एम मेरे पास में 4 है और एन मेरे पास में 5 है. मैं यहां पर एम का कोई यूज नहीं कर रहा हूं, एन को ही ले रहा हूं एज अ प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट सॉरी एंड द सम ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू एस यहां पर हमारे पास में आएगा आर जो इंस्टॉलमेंट है और एन आई. ठीक है बच्चे, तो मेरे पास पे क्या आया एस इक्वल्स टू या फिर आप एस बोल सकते हैं सम ऑफ अमाउंट. एस मीन्स सम ऑफ अमाउंट आर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. आर क्या हमारे पास है 1500, इसको ऐसे बोलते हैं हम सम ऑफ अमाउंट के लिए आर एस दिस वन एन आई. ठीक है, तो 1500 रुपये ब्रैकेट इन अ फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं हम सीधा इसमें. तो 1 प्लस 0.07 रेज टू पावर आपके पास में सीधा 5 ले लेते हैं. एम का कोई यूज़ नहीं करेंगे, एन को ही यूज़ करते हैं. एंड -1 अपॉन 0.07 दिस वन. अगर ये करते हैं देखते हैं क्या आंसर आता है. 1500 इक्वल्स टू 1.07 इंटू इक्वल्स टू -1 0.40255 अपॉन 0.07 एंड एस इक्वल्स टू 1500 एंड डिवाइडेड बाय 0.07 एंड इनटू 1500. तो कितना बना आपका 8626. सॉरी पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आया आपका, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया 8626.10. थोड़ा सा फर्क आया होगा आपको. कहाँ आंसर लिखा मैंने, आंसर ही लिखा मैंने. चलो ये समझ में आया आपको, लिख देता हूँ मैं 8157.85 इंटू 1.07 बस 8728. थोड़ा सा 100 का फर्क आ गया कुछ के पॉइंट क्योंकि उसे प्रॉपर नहीं लिए. तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ डेफर्ड एनुटी में कुछ नहीं करना आपको, एम का कोई यूज नहीं. एम मतलब कितना स्किप हुआ. जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ आप ऑर्डिनरी एनुटी निकालते थे सेम उसी तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ डेफर्ड एनुटी का फॉर्मूला अप्लाई कर करके आप वो चीज़ निकालोगे. इसमें कुछ भी आपको नया नहीं करना है. क्लियर है?